हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल माय रिस्पेक्टेड टीचर्स, माय एल्डर्स। सो अभी मेरी मॉर्निंग शुरू हुए तो बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि अभी बज रहे 10:30। मैं उठी थी 7 बजे, पहले गई मीन्स वही वंश को स्कूल भेजना था, तो उसका लंच वंच रेडी करा, उसको स्कूल भेजा। मैं वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि मैं फ़ोन लेके जाती नहीं हूँ आजकल, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा चिंताई वगैरह हो रही है, तो मैं फ़ोन घर ही रख के जाती हूँ। वहाँ से फिर मैं अपने ट्यूशन गई, तो अब जाऊँगी क्योंकि सुबह के टाइम ना बहुत खाली रहता है, जो एरिया पड़ता है तो उस टाइम ले जाना, मैं रख के जाती हूँ, फिर वहाँ से ट्यूशन जाना होता है मुझे। तो अभी जस्ट घर आई हूँ कोचिंग करके, थोड़ा मैं नीचे बैठ गई थी भाभी के पास, फिर जल्दी से मैं काम निपटाऊँ क्योंकि आज हमारा फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पे सत्संग है। सत्संग मीन्स आज जैसे गुरु पूर्णिमा है तो गुरु जी को बहुत मानते हैं, तो उन्होंने सत्संग रखा है। तो घर में से किसी को बुलाया तो मम्मी कह रही तुम चली जाओ, मैं तो थोड़ा एक डेढ़ घंटे के लिए हो आती हूँ, तो पहले जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। 12 बजे वहाँ भी जाना है, तो पहले वंश को ले आऊँगी स्कूल से 1 बजे, 12 से 2 बजे तक है, 1 बजे तक वंश आ जाएगा, फिर चली जाऊँगी आराम से। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, फिर आप आगे हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। और कौन कौन गुरु जी को मानता है कमेंट पे जरूर बताना। झाड़ू वगैरह सब हो चुकी है, सफाई वगैरह मैं कर चुकी हूँ, और देखो चादर पे चादर इसलिए बिछा रखा है वंश ने, मॉर्निंग में पूरा एक बोतल पानी भी गिरा दिया प्लास्टिक थाली, मैंने कहा भी ये चादर बिछा देती हूँ, बाद में बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दें क्योंकि विक्की अभी सो रहे हैं। तो मैं जाती हूँ अब नहाने के लिए, हेयर वॉश करूँगी, पूरा ऑयलिंग वगैरह कर रखी है मैंने, तो जल्दी से नहा के आती हूँ, फिर आके आपसे मिलती हूँ। और मौसम सब जगह इतना बाढ़ आ रहा है, इतना दिक्कत हो रही है, और दिल्ली यूपी में तो भैया गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है। बारिश आती है थोड़ी देर के लिए और इतनी कड़क धूप निकलती, सुबह इतना अच्छा वेदर हो रहा था, रब के ला दिखाते हो। धूप 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 धूप, बादल का दूर दूर तक नाम निशान नहीं, अरे पिजन को देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो चलो मैं नहा के आती हूँ, अब तो फाइनली नहा ले जा ही रही हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी, हेयर वॉश भी कर लिए, तो मैं जा रही हूँ, अभी 12:30 हो रहे हैं, मैंने कहा 15 मिनट के लिए मैं नीचे चली जाती हूँ, फिर वहीं से वंश को लेने चली जाऊँगी। और देखो मेरे इयर रिंग्स ठीक हो क्या आ गए, एक्चुअली ये वाला जो इयर रिंग था ना, ये नीचे से कट किया था, कल ही ठीक करवा के आई, इतना अजीब सा लगता था ना बिना कान के, कान के बिना कान के कह रहे दिमाग बुद्धि सब भ्रष्ट इयर रिंग्स के, अब अच्छे लग रहे ना। सो चलो जाती हूँ नीचे, भाभी का भी फ़ोन आ गया, आ जाओ क्या आते चलते चुन्नी ले लो, सुनने चलो चलते चलते हैं, भाभी को भी बुलाती हूँ। चले चले। A few minutes later. गाइस, मैं जस्ट अभी वहाँ गई थी गुरु जी के सत्संग में, बट मैं अभी कुछ शूट नहीं कर पाई कि वहाँ पे फ़ोन चलाने भी अलाउ नहीं होता है, तो आरती के टाइम अगर हो पाए तो मैं ज़रूर आपको एक दर्शन तो कराऊँगी गुरु जी के। तो अभी मैं घर पहले जा रही हूँ फिलहाल वंश को लेने के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट,
15 मिनट्स रह गए हैं, तो वंश को लेके आती हूँ, फिर देखती हूँ, फिर जाती हूँ बाय दर्शन के लिए। सुनो ये मैम को देख जाओ, हाँ जाओ, सुबह देना भूल गए थे ना, जाओ देख जाओ, जल्दी से देख जाओ मैम को, जाओ। कितनी गर्मी हो रही है, बाप रे मौसम। हाँ आंटी के घर पूजा हो रही है ना, वहाँ से लेके प्रसाद खाइए। चलो चलते संभालना मुश्किल होता है। सो घर आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई है। हाँ देखो अभी मैंने सोफ़ा क्लीन करके गई थी ना, अभी देखा क्या आपके हालात से क्या कराते, इधर उधर देख के बस बैठ गए उसको देख। और लंच देखो करके नहीं आया, देख लो वो खा के आया बस। अच्छा बिस्किट देना, कल से बिस्किट कल से बिस्किट ही नहीं दूंगी, बस रोटी दूंगी अब। क्यों खाना नहीं खाते इसलिए? अब दे दे। तो चलो मैं थोड़ा सा नीचे होके आ जाती हूँ, अब तो ये थोड़ा थोड़ी देर आराम कर लेगा बस। लंच ये जो है खा लेना, कंप्लीट होना चाहिए, मैं आके देखूँ। तो फ्रेंड्स आप भी कर लीजिए गुरु जी के दर्शन। सो मैं घर आ चुकी हूँ, ड्रेस भी चेंज कर चुकी हूँ, और वहाँ से प्रसाद मिला है। तो देखो पूड़ी आलू का प्रसाद। वंश उठो, मैं गई हूँ आपसे कपड़े तक नहीं पहने गए हैं? चलो उठ के बैठो, इधर बैठो, पहले बैठो फिर खाओ। नाद देख लो उसकी। चलो बोलो खाना खा लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, बोल दो गुड नाइट। देखना पेपा पिग लगा रखा है, पेपा पिग नहीं है, अच्छा दूसरा कार्टून है। चलो खाना खा लेते फिर मिलते हैं। 3 hours later। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं थेरेपी क्लास के लिए, तो दिन में थोड़ा सो गई थी, अब थेरेपी क्लास के बाद भी के साथ जा रहे थे हम तीनों आज जा रहे हैं। तो वंश अब जा चुका है थेरेपी के लिए और हम लोग अभी यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं क्योंकि आज हमें जाना है, इसलिए मना कर रहे हैं। सो थेरेपी ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए विक्की की आई टेस्ट करवाने के लिए, तो अब विक्की की आई टेस्ट हो रही है। चलिए इधर ही रहना, जस्ट अभी घर में घुसी हूँ, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही हूँ। वहाँ से आते हुए देखा आपने विक्की अभी आई टेस्ट के लिए चले गए थे हम साथ ही थे, उनको थोड़ा आईज में दिक्कत हो रही थी तो कह रहे थे चेक करा देते, माइनर आया है, कह रहे बनवा लेंगे अब स्पेक्स भी। आज मून फुल मून इतना सुंदर लग रहा है ना देखने में, अच्छा दिखाते हैं। वो देखो तो शानदार लग रहा है, वाह। हाँ ये लाइट जो है ये हमारे पास आ रही है।
और यहाँ पे मम्मी बना रही है सब्जी अरबी की। चलो कपड़े वपड़े चेंज करके पढ़ाई करने बैठे। आपका काम क्या है? गिरा चीटी आके लपड़ेगी ना शरीर में। अब वो शिनोई को देखो। ए शिनोई क्यों भागती रहती है पूरे दिन? चलो चलो पढ़ाई करेंगे अब। तो मैं करती हूँ बेडशीट चेंज, कि बेडशीट की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी, तो गीला हो तो बहुत मुश्किल, सूखा है बट बहुत किरकिरी हो रही है। पहले मैं करती हूँ बेडशीट चेंज, फिर जाके इसको पढ़ाने बिठाती हूँ। A few minutes later. So बेडशीट वगैरह बिछ चुकी है और वंश की पढ़ाई हो रही है। मम्मी हाँ हाँ करो, नेक्स्ट पेज भी करो, नीचे का भी करो, डॉट नहीं लगाया तो नहीं लगते तो कोई नहीं, करो बिना डॉट के भी करो। कर्सिव लेटर्स का भी स्टार्ट हुआ है तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे कर रहे हैं। ये कल एब्सेंट था, उसका एब्सेंट वर्क मिल रखा है। एल पहले हो चुका है, बस एक समझ नहीं आया तेरी। मैं वो थोड़ा में चले था मैच, अब मम ये समझ नहीं आया, एन कल करवाया तो एम बाद में क्यों? पहले एन आता है कि एम पता नहीं क्या, हाँ फिर एन आता है। हाँ। मैम ने उल्टा करा दिया। हाँ? अब पता नहीं उनका कुछ सिखाने का तरीका होता होगा ना इसलिए। चलो अब यहाँ पे एम, यहाँ पे डॉट नहीं लगा रखा, अब करो या। करो एम लिखो, एम दो मैं लिख देती हूँ ऊपर, फिर आप करना। रुको इधर दो, बाप रे बाप ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, रुको रुको शिंद्री रुको। तो चलो करो अच्छे से, इसको क्या बोलते हैं? एम एम। अभी तो आज इसको बहुत होमवर्क मिला हुआ है हिंदी का, क्योंकि कल एब्सेंट था तो सबका पेंडिंग वर्क भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मैं जो आज का जो डेली रूटीन था मेरा आज का पूरा दिन, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। हाय थक गई हूँ अब मैं। सो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। हालांकि मेरी अभी पूरी डेली रूटीन ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी है मेरा वर्क, बट सारा शूट करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता ना। हाँ ठीक है, अभी मेरे को अपने लिए दलिया बनाना है, क्योंकि मैं अभी थोड़ी सी ना डाइटिंग पे जा रखी हूँ। आपको मैंने बताना भूल गई भी, मेरे चलो मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा, आपने वीडियो में भी देखा होगा। गुड, तो इस वजह से मेरे टेस्ट करवाए थे डॉक्टर ने, ईको ECG और कोलेस्ट्रॉल का। तो ईको ECG तो मेरा ठीक आया, बट मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिस वजह से डॉक्टर ने मुझे लाइट फूड खाने के लिए बोल दिया है। बाहर नहीं खाना बोलो, अरे बाहर का नहीं खाना है ये बोला डॉक्टर ने। तो अभी मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रही हूँ, नहीं खा रही मैं तला हुआ, तो अभी सबका तो अरबी बना हुआ है, बट मैं अपने दलिए की खिचड़ी बना लूँगी, फिर मैं जाती हूँ वॉक के लिए नीचे। नीचे भाभी आती है, आप पढ़ाई कर लो पहले, तो बहुत लंबी खिंच जाएगी। शेयर करूँगी कैसे दिन जब हम रात को ऐसे घूमते हैं। तो करते हैं इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। सो हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल में, आगे जो जो वीडियोज़ आएंगे उसको भी आप इंजॉय करते रहना। सो बाय, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे साथ मेरे चैनल के साथ जितने मेंबर जुड़ते जा रहे हैं उनका बहुत बहुत ही ज़्यादा दिल से वेलकम है। तो गाइज़ आप लोग वीडियो भी देखते हैं तो प्लीज़ एक लाइक का बटन भी आप क्लिक कर दीजिएगा, और कमेंट भी बताया करो कि आपको कैसा लगा, आप क्या पसंद है, आप नहीं करते हो कमेंट कर दिया करो, अच्छा है बुरा है, मैं उसके हिसाब से मैं फिर अगर कुछ मेरे को सुधार करना होगा तो मैं बेटर जरूर करूँगी। तो ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। बाय।